Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार दोस्तों समुद्री बीमा व्याख्यान की श्रृंखला में यह मेरा नौवा व्याख्यान है इससे पहले हमने बीमा और समुद्री बीमा इन सभी प्रकार के बारे में बातचीत की अपने पहले व्याख्यान में मैंने आपको समुद्री बीमा का अर्थ उसकी प्रकृति उसका दायरा इन सब चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की कि समुद्री बीमा अर्थ क्या है उसकी परिभाषाओं के द्वारा हमने उसके जानने की कोशिश की अपने दूसरे व्याख्यान में मैंने आपको समुद्री या कहिए कि बीमा का अस्तित्व कैसे आया उसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ हमने इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की वैश्विक परिदृश्य में भी और भारत के संदर्भ में भी हमने बात की कि, कि किस प्रकार बीमा एग्जिस्टेंस में आया और किस प्रकार से उसने अपने आप को मजबूत किया संगठित किया विभिन्न प्रकार के कानून अस्तित्व में आए उन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से हमने बीमा के ऐतिहासिक विकास के बारे में बात की अपने तीसरे व्याख्यान में मैंने आपको जीवन बीमा की अवधारणा के बारे में बताया कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है कितने प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस कवर किए जाते हैं उसकी क्या महत्वता है उसका क्या दायरा है इन सब चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की अपने चौथे व्याख्यान में मैंने आपको बीमा के सिद्धांतों के बारे में बात की कि बीमा के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं? देखिए कोई भी बीमा कुछ सिद्धांतों पर टिका हुआ होता है तो उनसे बच नहीं सकता क्योंकि बीमा एक तरह से अनुबंध है और अनुबंध कुछ सर्टिफाइड प्रिंसिपल्स के बेसिस पर उन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही चलकर किसी भी प्रकार के किसी अनुबंध का गठन किया जा सकता है तो हमने उन सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा की पांचवें व्याख्यान में मैंने आपसे इसमें मैंने आपसे प्रीमियम के बारे में बात की कि प्रीमियम क्या होता है इसके क्या महत्ता है क्या आवश्यकता है इसके अंदर अगले व्याख्यान में मैंने बीमा योग्य जोखिम इनके बारे में बात की कि बीमा योग्य जोखिम क्या होते हैं और क्या जोखिम हैं जो बीमा योग्य नहीं होते हैं इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी इंश्योरेबल रिस्क के बारे में अपने अगले व्याख्यान में मैंने आई के बारे में बात की कि आई ए आई आर डी आई क्या है और इसकी क्या महत्वता है क्या इसकी शक्तियाँ हैं क्या इसके कार्य प्रणाली है अर्थात भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इसका किस प्रकार गठन हुआ क्या शक्तियाँ हैं क्या कार्य प्रणाली केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्या हैं इसके बारे में इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपने उस व्याख्यान में बात की आई के बारे में इसके बाद मैंने आपसे समुद्री बीमा की अवधारणा के बारे में बात की अपने आठवें लेक्चर में मैंने आपसे समुद्री बीमा के अवधारणा के बारे में बात की कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिन इंश्योरेंस कि मैरिन इंश्योरेंस क्या है इसका नेचर क्या है इसका स्कोप क्या है किस तरह से काम करता है कितने प्रकार का है मैरिन इंश्योरेंस को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है इन सब चीजों के बारे में हमने विस्तार से बातचीत की थी इस नौवे व्याख्यान में हम समुद्री बीमा के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि समुद्री बीमा भी अन्य प्रकार के बीमाओं की तरह ही कुछ सिद्धांतों पर आधारित है क्योंकि यह एक अनुबंध है यह सिद्धांतों की पालना किए बिना अनुबंध के सिद्धांतों की पालना किए बिना गठित नहीं हो सकता तो हमें यह जानना आवश्यक है कि वह कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं जिनके बाद एक समुद्री बीमा का गठन किया जा सकता है आज के नौवें व्याख्यान में मैंने कुछ विषयों को शामिल किया है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम समुद्री बीमा के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे कि वह कौन से सिद्धांत हैं जिनके ऊपर रहकर ही किसी भी समुद्री बीमा का गठन किया जा सकता है या अनुबंध किया जा सकता है इसके बाद हम समुद्री बीमा के अंतर्गत बीमा कराने की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में बात करेंगे कि वह कौन सा प्रोसीजर है जिसके तहत बीमा किया जा सकता है समुद्री बीमा किया जा सकता है इसके पश्चात हम समुद्री हानियों के बारे में बात करेंगे मैरिन लॉसेस क्या हैं और उसके बाद हम वॉयज पॉलिसी की बात करेंगे यानी कि यात्रा पॉलिसी क्या है यात्रा नीति क्या है इन सब को हम विस्तार से एक के बाद एक समझेंगे तो सर्वप्रथम हम समुद्री बीमा के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं आपको इसका एक परिचय देना चाहूँगा कि समुद्री बीमा के सिद्धांत क्या हैं समुद्री बीमा क्या है यह आमतौर पर हम ज्ञात है हमने पिछले व्याख्यान में भी बात की थी कि उन्नीस के भारतीय अधिनियम के प्रभावी होने से पहले भारतीय अदालतें पहले अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों का पालन करती थी और उनके साथ साथ अंग्रेजी अधिनियम के प्रावधानों जैसे कि समुद्री बीमा अधिनियम 1906 के आधार पर निर्णय लेती थी। क्योंकि भारतीय कानून सीधे तौर पर इसके अंग्रेजी से लिया गया है, इसलिए संदेह होने पर दो शताब्दियों से अधिक समय से चले आ रहे केस कानून से परामर्श करके वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है इसके अलावा क्योंकि समुद्री बीमा अधिनियम अनिवार्य रूप से पहले के मामले के कानून का एक संहिताकरण है यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कानून था जो भारतीय कानून है वह उसका एक कोडिफाइड कॉपी है उसी को क्विफाई किया हमने लोगों को अपने अनुसार में अपनी सहूलियत के अनुसार अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार लेकिन काफी हद तक वहीं से इंप्रेस होकर हमने इसको अपना कानून बनाया है उसको हमने क्वाडिफाई किया है सामान्य रूप से कानूनी अवधारणाओं को समझने और विशिष्ट स्थितियों को समझने के लिए पहले के अधिकारियों को समझना महत्वपूर्ण है समुद्री बीमा समुद्री वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह मूल्यवान माल और जहाजों को उनकी यात्रा के दौरान चोरी, टकराव, आग और विस्फोट, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अप्रत्याशित खतरों से बचाता है समुद्री बीमा कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर काम करता है जो बीमा सेवाओं की डिलीवरी में निरंतरता बनाए रखने में मदद करते हैं आइए अब हम समुद्री बीमा के सिद्धांतों को जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के कौन से वे सिद्धांत हैं जिनके बेसिस पर जिनके ऊपर रह के समुद्री बीमा का अनुबंध किया जाता है समुद्री बीमा भी अन्य बीमाओं की तरह कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है यह इन निश्चित सिद्धांतों से भाग नहीं सकता क्योंकि यह बीमाकर्ता और बीमा कृत के बीच में एक अनुबंध भी है समुद्री बीमा को वैध बनाने के लिए इसे निम्नलिखित सिद्धांतों पर अनुबंधित किया जाना चाहिए सर्वप्रथम सिद्धांत है अत्यंत सद्भावना का सिद्धांत, एक समुद्री बीमा अनुबंध अत्यंत सद्भावना के सिद्धांत पर आधारित होता है अर्थात बीमा अनुबंध में दोनों स्तरों पर उच्च ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है अर्थात बीमा धारक भी बड़े स्पष्ट रूप से सारी स्पष्ट जानकारियां देगा जो उसकी जानकारी में चाहे वह मांगी गई हैं या नहीं मांगी गई हैं इसी प्रकार एक बीमा पॉलिसी के बारे में बीमाकर्ता से भी अपेक्षा की जाती है कि वह एक स्पष्ट व्याख्या करे कि यह बीमा पॉलिसी क्या है और किन चीज़ों का है वह ध्यान रखती है किन चीज़ों की भरपाई कर सकती है या किन चीज़ों का उसके अंदर कवरेज नहीं आता है तो दोनों पक्षों से एक ईमानदारी की उम्मीद की जाती है इस सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़े समुद्री बीमा में हैं। एक समुद्री समुद्री हामीदार को भेजे जाने वाले माल के संबंध में बीमा के लिए आवेदक द्वारा दिए गए बयानों पर बहुत विश्वास करना पड़ता है इस प्रकार अत्यंत सद्भावना के सिद्धांत ने बीमा के लिए आवेदक पर उच्च स्तर की ईमानदारी थोप दी है समुद्री बीमा का अनुबंध अत्यंत सद्भावना पर आधारित एक अनुबंध है और यदि किसी भी पक्ष द्वारा अत्यंत सद्भावना का पालन नहीं किया जाता है तो दूसरे पक्ष द्वारा अनुबंध से बचा जा सकता है अर्थात एक पक्ष ने अगर संपूर्ण जानकारी नहीं दी है या सही स्थिति स्पष्ट नहीं की है या गलत जानकारी दी है तो दूसरा पक्ष चाहे तो उस बीमा पॉलिसी को उस अनुबंध को अवॉइड कर सकता है या वॉइडएबल हम इसको कह सकते हैं समुद्री बीमा में सद्भावना अर्थात गुड फेथ का एक उदाहरण लेकर हम बात करते हैं मान लीजिए श्री अंकुर ने अपनी नाव की पतवार हल की सुरक्षा के लिए पतवार बीमा खरीदा उन्होंने प्रीमियम भुगतान से बचने के लिए जहाज की उम्र के बारे में झूठ बोला जब बीमा कंपनी को इसकी जानकारी दी हुई तो पॉलिसी रद्द कर दी गई क्योंकि उनसे सभी भौतिक तथ्यों फैक्ट्स का खुलासा करने की अपेक्षा की गई थी हल इंश्योरेंस क्या है इन सब चीजों के बारे में हम अपने पिछले व्याख्यान में बात की थी कि हल इंश्योरेंस क्या है इंश्योरेंस क्या रहता है या कार्गो इंश्योरेंस क्या है इन सभी प्रकार में हमने वर्गीकृत करके इसके बारे में हमने अपने आठवें व्याख्यान में बातचीत की थी तो मान लीजिए अगर आप अपने हल इंश्योरेंस में गलत जानकारियां देते हैं नाव की उम्र जैसे उसने गलत बताई है तो इस समय पर बिना बीमा कंपनी के पास अधिकार है कि वह उस अनुबंध को रद्द करते क्योंकि दोनों पार्टीज से एक मटेरियल फैक्ट्स के बारे में डिस्क्लोज करने के लिए एक गुड फेथ की अपेक्षा की जाती है एक सद्भावना की विश्वास की अपेक्षा की जाती है एक भौतिक तथ्य अगर हम मटेरियल फैक्ट्स की बात करें तो भौतिक तथ्य वह तथ्य है जो एक विवेकपूर्ण हामीदार के निर्णय को प्रभावित प्रभावित करेगा अर्थात आपकी जानकारी उस पॉलिसी को लेना है या नहीं लेना देना है या नहीं देना पॉलिसी इन सब चीजों को प्रभावित करती है तो वह जो तथ्य है वह मेटेरियल फैक्ट में शामिल किया जाएगा क्योंकि वह तय करेगा कि वह अनुबंध में प्रवेश करेगा या प्रीमियम की दर बढ़ेगी या घटेगी या किसी अन्य और शर्तों के अधीन वह प्रवेश करेगा या नहीं करेगा ये सारी चीजें तय हो सकती हैं आपकी एक तथ्य के ऊपर और वह तथ्य अगर इतना महत्वपूर्ण है तो उसकी जानकारी सही रूप से देना ही गुड फेथ में काउंट किया जाएगा प्रकटीकरण के कर्तव्य के अलावा, बीमा धारक को अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान के प्रति सद्भावना से कार्य करना चाहिए अत्यधिक सद्भावना के कर्तव्य के उल्लंघनों को चार शीर्षकों के तहत वर्गीकृत करने की प्रथा है प्रथम गैर प्रकटीकरण अर्थात नॉन डिस्क्लोजर, छिपाना अर्थात कंसीलमेंट निर्दोष गलत बयानी अर्थात इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन और कपटपूर्ण गलत बयान भी, अर्थात फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन इस तरह की जानकारियां चार वर्गों में वर्गीकृत की गई हैं और यही तय करती हैं कि अनुबंध को रखा जाए या अवॉइड किया जाए पहले दो को निष्क्रिय उल्लंघन कहा जा सकता है और अन्य दो को सक्रिय उल्लंघन कहा जाता है समुद्री बीमा अधिनियम बीमित व्यक्ति पर वैधानिक कर्तव्य डालता है कि वह बीमा को उन सभी भौतिक परिस्थितियों का खुलासा करे जो उसे ज्ञात हैं या जिसे उसे अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में जानना चाहिए चाहे गैर प्रकटीकरण जानबूझकर हो या अनजाने में प्रभाव समान होता है और पॉलिसी से बचा जा सकता है हालांकि जानबूझकर और भौतिक से गैर प्रकटीकरण आमतौर पर धोखाधड़ी की श्रेणी में आएगा और यह अनुबंध को शून्य कर देगा वॉइड कर देगा अर्थात प्रथम दो जो परिस्थितियां हैं वह इंश्योरर की या इंश्योर्ड की मर्जी पर डिपेंड हो जाता है वो वर्डेबल कंडीशन में आ जाता है लेकिन अंतिम जो दो परिस्थितियां हैं अर्थात भौतिक गैर प्रकटीकरण और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी ये आपकी वर्ड श्रेणी में आ जाती हैं। दूसरा समुद्री बीमा का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है बीमा योग्य हित अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंश्योरेंस बीमा योग्य हित का सिद्धांत एक अन्य महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है बीमा योग्य हित का सिद्धांत कहता है कि यदि हानि होती है तो बीमा धारक को आर्थिक रूप से नुकसान उठाने की स्थिति में होना चाहिए बीमा का एक वैध अनुबंध किसी व्यक्ति द्वारा तभी किया जा सकता है जब बीमा की विषय वस्तु में उसका बीमा योग्य हित निहित हो अर्थात वह समुद्री साहसिक कार्यों में रुचि रखता हो एक व्यक्ति समुद्री साहसिक कार्य में रुचि रखता है जहां वह साहसिक कार्य या जोखिम में पड़ी किसी बीमा योग्य संपत्ति से किसी कानूनी या न्याय संगत संबंध रखता है अर्थात यह बीमा योग्य हित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसमें यदि हानि होती है तो बीमा धारक को आर्थिक रूप से नुकसान उठाने की स्थिति में होना चाहिए अर्थात वह नुकसान जिन्हें हम बीमा योग्य मान सकते हैं उन्हीं सभी को हम बीमा हित योग्य का सिद्धांत के रूप में जानते हैं। समुद्री बीमा अधिनियम के अनुसार जो क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है वह से और सहमति की सीमा तक इन मैनर एंड टू द एक्सटेंट एग्रिड होती है इस प्रकार एक वाणिज्यिक क्षतिपूर्ति अर्थात कमर्शियल इंडेमिटी प्रदान की जाती है क्योंकि बीमाकर्ता हानि या क्षति की स्थिति में कार्गो को बहाल करने या बदलने का कार्य नहीं कर सकते वे पहले से सहमत धनराशि का भुगतान करते हैं जिससे उचित मुआवजा मिलेगा उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें बीमा योग्य हित के सिद्धांत का तो इसका एक उदाहरण है समुद्री बीमा में क्षतिपूर्ति का एक उदाहरण यह होगा कि मान लीजिए श्री राकेश ने 10 लाख का कवरेज रूप के साथ एक कार्गो बीमा पॉलिसी खरीदी अर्थात सामान के बारे में जो भी कार्गो का सामान रहता है उसके बारे में एक पॉलिसी खरीदी अब यात्रा के दौरान उनका सामान खराब हो गया जिसकी मरम्मत में 5 लाख रुपए खर्च हुए श्री राकेश को केवल उनके नुकसान की सीमा तक अर्थात 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाएगी अर्थात यही क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है जैसे कि मान लीजिए कवरेज आपने दस लाख रुपए का लिया है लेकिन नुकसान आपका दो लाख या 5 लाख रुपए का हुआ है तो बीमा कंपनी आपको वह दो लाख या 5 लाख रुपए प्रदान करेगी ना कि पूरे के पूरे दस लाख यही क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है इसका तात्पर्य यह है कि किसी बीमित जोखिम के कारण संपूर्ण कारगी की कुल हानि पर बीमा राशि का भुगतान किया जाता है और यदि कार्गो का कुछ हिस्सा कुल हानि है तो बीमाकृत मूल्य का उचित अनुपात भुगतान किया जाता है क्षति के दामों का निपटान के प्रतिशत प्रतिशत अर्थात परसेंटेज ऑफ का पता लगाकर और इस प्रतिशत को बीमाकृत मूल्य पर लागू करके किया जाता है मूल्य ह्रास के प्रतिशत की गणना बिक्री की तारीख पर उनके सकल मूल्य के साथ उनकी क्षतिग्रस्त स्थिति में माल के मूल्य की तुलना करके की जाती है बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन से उत्पन्न परिणाम की विकृति से बचने के लिए दोनों मूल्य के लिए एक ही तारीख का उपयोग किया जाता है यह एक फॉर्मूला है जिस तरीके से क्षति के दामों का निपटान किया जा सकता है समुद्री बीमा में सहमत मूल्य पॉलिसी अर्थात एग्रीड वैल्यू पॉलिसीज जारी करने की एक प्रथा है सहमत मूल्य बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच निर्णायक होता है अनजाने में हुई त्रुटि की स्थिति को छोड़कर या जहाँ धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है कर्तव्य और बढ़ा हुआ मूल्य नीतियां सहमत मूल्य नीति नहीं है यह केवल शुद्ध क्षतिपूर्ति प्रदान करती है डॉल्बी बनाम भारत और लंडन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1854 में एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य देखा गया कि आग और समुद्री जोखिम दोनों के खिलाफ आश्वासन की नीतियां क्षतिपूर्ति के अनुबंध हैं अर्थात अगर इन चीजों का एश्योरेंस दिया गया तो यह क्षतिपूर्ति के अनुबंध के अंदर में कवर की गई है बीमाकर्ता कुछ सीमित मात्रा में बीमित व्यक्ति को होने वाले इमारतों जहाजों और प्रभावों में नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रतिबद्ध है एक अन्य केस में कैस्टेलियन बनाम प्रेस्टन अठारह में यह देखा गया कि बीमा धारक को उस सीमा तक क्षतिपूर्ति दी जाएगी जिस हद तक उसे नुकसान हुआ है किसी बीमा धारक को उसके नुकसान या शक्ति से आय अर्जित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती अर्थात यह एक सार्वजनिक नीति के भी खिलाफ है कि जितना आपको नुकसान हुआ है आपको वही नुकसान मिलेगा इसके अलावा अगर आप उससे आय अर्जित करने की कोशिश करेंगे अर्थात आपकी जो नुकसान हुआ है उससे ज्यादा आप कुछ कमाने की उसमें से कुछ सोचेंगे तो एक सार्वजनिक नीति के भी खिलाफ होगा तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिस पर कि समुद्री बीमा आधारित रहते हैं वह है कॉजा प्रोक्सीमा अर्थात निकटतम कारण का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है किसी भी प्रकार के नुकसान को समुद्री नुकसान को आइडेंटिफाई करने के लिए पहचान करने के लिए इस पॉलिसी का इस प्रोबेबिलिटी का इस प्रिंसिपल का आंकलन किया जाता है निकटतम कारण का सिद्धांत कॉजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर कहावत में व्यक्त किया गया है जिसका अर्थ है निकटतम कारण को माना जाएगा ना कि दूरस्थ कारण को हानि का कारण माना जाएगा अर्थात कौन सा वह निकटतम कारण है जिसके कारण नुकसान हुआ और क्या वह कारण बीमित था या नहीं था यह ध्यान में रखते हुए किसी पॉलिसी के क्षतिपूर्ति करने के लिए दावे को अपने संज्ञान में लाया जाता है इसमें निहित है कि निकटतम कारण यानी कि नियरेस्ट कॉज बीमाकर्ता के दायित्व को निर्धारित करने का आधार होना चाहिए ना कि दूरस्थ कारण यदि तत्काल जोखिम का बीमा किया गया है तो बीमा धारक को क्षतिपूर्ति दी जाएगी अर्थात नियरेस्ट कॉज को अगर इंश्योर किया गया है तब क्षतिपूर्ति दी जाएगी इसका मतलब यह है कि यदि जोखिम या हानि के कारण विशेष रूप से पॉलिसी के तहत कवर नहीं किया गया है तो उसे मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो यह जानने के लिए कि बीमा दिया जाए या ना दिया जाए क्षतिपूर्ति दी जाए या ना दी जाए नियरेस्ट कॉज को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वह कौन सा कारण है जिसके कारण नुकसान घटित हुआ और क्या वह कारण बीमित है या नहीं है ये सब चीज़ों को देखने के लिए इंश्योरेंस कंपनी या बीमाकर्ता इस कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि दुर्घटना का निकटस्थ कारण क्या था या फिर दूरस्थ कारण क्या था निकटतम कारण का अर्थ सक्रिय कुशल कारण है जो घटनाओं की एक श्रृंखला को गति देता है जो परिणाम लाता है बिना किसी बल के से शुरू होता है और एक नए और स्वतंत्र स्रोत से सक्रिय रूप से काम करता है यदि बीमाकृत जोखिम हानि का निकटतम कारण है तो भीमाकर्ता उत्तरदायी है यदि कोई बीमाकृत जोखिम हानि का केवल दुरस्थ कारण है निकटतम कारण एक गैर बीमाकृत या अपवादित जोखिम में तो बीमा करता उत्तरदायी नहीं है अर्थात कोई भी कारण जो गैर बीमाकृत है या फिर बीमाकृत है लेकिन दूरस्थ कारण में अगर वह सम्मिलित है तो बीमा कंपनी उस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए लायबल नहीं होगी इसके अलावा अगर जो बीमा किया गया है वही उसका नियरेस्ट कॉज है वही उसका सबसे पहले वही कारण है निकट का वही कारण है समय पर आधारित नहीं होता है बल्कि उस कारण पर आधारित होता है अगर वह निकटतम कारण है तो फिर बीमा कंपनी उस क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी मानी जाएगी निकटतम कारण आवश्यक रूप से वह नहीं है जो समय में निकटतम है बल्कि वह है जो दक्षता में निकटतम है यह हानि का प्रमुख प्रभावी और सक्रिय कारण है संवर्ती कारणों के मामले में निम्नलिखित नियम लागू होते हैं पहला यदि हानि में योगदान देने वाले कारणों में से एक बीमाकृत जोखिम है और कोई अपवादित जोखिम शामिल नहीं है यानी कि कोई एक्सपेक्टेड पैरिल नहीं है तो हानि कवर की जाती है बी यदि कारणों में से एक अपवादित जोखिम है जो नुकसान बिल्कुल भी कवर नहीं किया जाता है जब तक कि बीमाकृत जोखिम के परिणामों को गैर बीमाकृत जोखिम से अलग नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में पहला वाला बाद वाला कवर नहीं होता है तो यह जानना बहुत जरूरी है कि निकटतम कारण क्या है वह वो नहीं है जो समय से तय होता है बल्कि वह है जो निकटतम कारण रहा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जिसका समुद्री बीमा में हमेशा जिक्र किया जाता है वह है पिंक बनाम फ्लेमिंग 1840 इसमें निकटतम कारण को एक स्पष्ट रूप से समझाया गया है मामले के तथ्य को जानते हुए हम जानने की कोशिश करते हैं कि निकटतम कारण क्या है मामले का तथ्य यह था कि माल संतरे का एक शिपमेंट था और बीमाकृत जोखिम दूसरे जहाज के साथ टकराव था जहाज दूसरे जहाज से टकरा गया और इसके परिणाम स्वरूप शिपमेंट में देरी हुई यह माना गया कि हानि का निकटतम कारण शिपमेंट में देरी और गलत प्रबंधन था ना कि टकराव इसलिए बीमा क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं था क्योंकि बीमाकृत जोखिम मिली भगत नहीं थी समझने की अगर हम इससे कोशिश करें तो मान लीजिए जहाज का टकराना बीमित था लेकिन जो नुकसान हुआ वह देरी के कारण गलत प्रबंधन के कारण हुआ तो निकटतम कारण जो था वह देरी और कंपनी की गलत प्रबंधन की नीति थी जिसके कारण नुकसान हुआ ना कि जहाज के टकराने से तो इस कारण से निकटतम कारण क्योंकि बीमित नहीं था वह कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए लायबल नहीं मानेगी हम इस कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि निकटतम कारण किस चीज को लिया जाता है समुद्री बीमाकर्ता को उत्तरदायी बनाने के लिए बीमा धारक को तीन चीजें साबित करनी होंगी प्रथम यह नुकसान समुद्र के खतरों के कारण हुआ हो द्वितीय कि जोखिम वह है जिसके विरुद्ध पॉलिसी में बीमा किया गया हो और तृतीय कि जिस जोखिम के विरुद्ध बीमा कराया गया है वही नुकसान का निकटतम कारण भी हो चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर समुद्री बीमा के अनुबंध टिके हुए होते हैं या बनाए जाते हैं वह है प्रत्यावर्तन का सिद्धांत क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का पुरजोर समर्थन करता है प्रत्यावर्तन का अर्थ है बीमा द्वारा कवर किए गए नुकसान के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से क्षतिपूर्ति का दावा करने के उद्देश्य से बीमा धारक के स्थान पर बीमाकर्ता का प्रत्यावर्तन अर्थात सरल शब्दों में अगर कहें तो बीमा कंपनी जब एक बार आपके नुकसान को क्षतिपूर्ति कर देती है तो वह तो आपके स्थान पर खड़ी हो जाती है अर्थात तीसरे पक्ष से वह उस नुकसान की भरपाई जो उसने की है वह वसूलने के लिए हकदार हो जाती है यानी कि सब्रोगेशन हो जाती है इट स्टैंड इन टू योर ऑन फुटिंग्स इसलिए बीमा लापरवाह तीसरे पक्ष से बीमा धारक को किए गए किसी भी नुकसान के भुगतान की वसूली करने का हकदार होता है। एक बार जब बीमा धारक को मुआवजा मिल जाता है तो बीमाकर्ता उसके स्थान पर खड़ा हो जाता है और बीमा की विषय वस्तु के संबंध में तीसरे पक्ष के खिलाफ उसे उपलब्ध सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं अर्थात बीमा कंपनी आपको नुकसान की भरपाई करेगी लेकिन उस बीमा की क्षतिपूर्ति हकदार वह तीसरे पक्ष से हो जाती है और आपके व्यवहार पर वह सारे वही काम करेगी जिस जिस प्रकार से आप किसी तीसरे व्यक्ति से कोई अपना क्षति का पूर्ति करते प्रत्यावर्तन अर्थात सब्रोगेशन वह अधिकार है जो एक व्यक्ति को दूसरे स्थान पर खड़े होने और दूसरे के सभी अधिकारों और उपचारों का लाभ उठाने के लिए प्राप्त होता है चाहे वे पहले से ही लागू हों या ना हों। प्रत्यावर्तन क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का एक परिणाम है और इसलिए प्रतिस्थापन का अधिकार केवल उन नीतियों पर लागू होता है जो क्षतिपूर्ति के अनिबंध हैं। अर्थात जहां पर कंपनी आपको वहीं पर ही अप्लाई होता है या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब कंपनी आपको क्षतिपूर्ति कर देती है तभी यह प्रिंसिपल तभी यह सब्रोगेशन लागू हो सकता है उससे पहले कंपनी सब्रोगेशन में स्थिति में नहीं आती है प्रत्यावर्तन इक्विटी का मामला है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमा धारक को उसी नुकसान के लिए अधिक क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है समुद्री बीमा में प्रतिस्थापन का एक उदाहरण और हम देख सकते हैं इस प्रकार होगा मान लीजिए कि अमित जो कि एक व्यापारी है उन्होंने एक बीमा प्रदाता से एक कार्गो बीमा पॉलिसी खरीदी कुछ जहाज मालिक की लापरवाही के कारण उसका माल बर्बाद हो गया अमित को बीमा कंपनी से दावा राशि प्राप्त होगी जो दावा राशि का भुगतान करने के बाद क्षतिग्रत संपत्ति का स्वामित्व ले लेगी अर्थात कंपनी ने जब आपको भरपाई कर दी है क्षतिपूर्ति कर दी है तो उस सामान के ऊपर कंपनी का अधिकार हो जाता है उस -फूटे पर या उसके किसी प्रकार खंडित वस्तु के में का अधिकार हो जाता है क्योंकि उसने आपको उसकी क्षतिपूर्ति कर दी है अपने नए स्वामित्व के साथ बीमा कंपनी जहाज मालिक पर मुकदमा करने और हरजाना पाने में सक्षम है अर्थात जो नुकसान की भरपाई आप दूसरे जहाज के मालिक से करते अब वह कंपनी आपके बिहार पर उस दूसरे जहाज के मालिक से कार्रवाई करने में सक्षम हो जाती है इसे ही हम प्रतिस्थापना या फिर सब्रोगेशन कहते हैं समुद्री बीमा में जहाँ बीमाकर्ता कुल नुकसान के लिए भुगतान करता है वह उस अबेंडमेंट के लिए भुगतान की गई विषय वस्तु में से जो कुछ भी बचा हो उसमें बीमित व्यक्ति का हित लेने का हकदार है और हानि के समय से बीमित व्यक्ति के सभी अधिकारों और उपायों के अधीन अर्थात में। बी यदि कोई बीमा करता आंशिक हानि के लिए भुगतान करता है तो उसे बीमाकृत विषय वस्तु या उसके शेष हिस्से पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है लेकिन वह बीमा धारक के सभी अधिकारों और उपायों से वंचित हो जाता है हानि और जहां तक आश्वासन दिया गया है क्षतिपूर्ति की गई है समुद्री बीमा में हानि के भुगतान के बाद ही प्रतिस्थापन लागू होता है बीमाकर्ता अधिकारों और उपचारों के संबंध में केवल उस राशि तक की वसूली का हकदार है जिसका उसने भुगतान किया है अर्थात राइट ऑफ सब्रोगेशन तभी लागू होगा जब उसने उस नुकसान का उस हानि का भुगतान कर दिया हो उस हानि के भुगतान के बाद प्रतिस्थापन का सिद्धांत लागू हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी उसके ऊपर अपना अधिकार रखती है और जितना नुकसान हुआ है वह दूसरे जहाज मालिक से या दूसरे कारण जिसके कारण हुआ है वह उससे वह वसूल करने में सक्षम या कार्रवाई करने में सक्षम हो जाती है कुल हानि के भुगतान पर बीमाकर्ता बीमाकृत विषय वस्तु के स्वामित्व का अधिकार ग्रहण करने का हकदार है अधिकार उसे परित्याग द्वारा प्रदान किया जाता है प्रतिस्थापन के अधिकारों द्वारा नहीं और इसका प्रभाव यह है कि यदि संपत्ति को बाद में बचाया या पुनर्प्राप्त किया जाता है तो बीमाकर्ता बिक्री की पूरी आय को बनाए रखने का हकदार है भले ही वे भुगतान की गई राशि से अधिक हो सकते हैं पॉलिसी के तहत हमेशा यह मानते हुए कि संपत्ति पूरी तरह से बीमाकृत है और बीमित व्यक्ति स्वयं जोखिम का हिस्सा नहीं ले रहा है तो उसके बाद अगर वह उस समान को बचाया जा सका या पुनर्प्राप्त किया जा सका चाहे उसकी कीमत अधिक है उस पर बीमा करता का अधिकार बन जाता है ना कि बीमाकृत का हॉब्स बनाम मार्लो 1978 में यह माना गया कि नुकसान के भुगतान से पहले बीमाकर्ता तीसरे पक्ष के खिलाफ प्रतिस्थापना अर्थात राइट ऑफ सब्रोगेशन के अधिकार का प्रयोग कर सकता है उसे ऐसी किसी भी कार्रवाई पर नियंत्रण रखने का अधिकार है बनाम सेंसबरी में लॉर्ड्स मैंफिल्ड ने कहा हर दिन बीमाकर्ता को बीमा धारक के स्थान पर रखा जाता है अर्थात बीमाकर्ता बीमा धारक को क्षतिपूर्ति देता है उसके समान की स्वयं जिम्मेदारी लेता है अधिकार प्राप्त करता है और तीसरे पक्ष से वह क्लेम करता है बनाम 1748 में यह माना गया कि वादी करता संतुष्ट होने के बाद जो उन्होंने भुगतान किया उसके अनुपात में आश्वस्त अर्थात बीमाकृत अर्थात एश्योर्ड के स्थान पर खड़े थे तो क्षतिपूर्ति करने के बाद जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड के स्थान पर खड़े हो जाते हैं. बर्नेन बनाम रोडोकानची 1782 में लॉर्ड ब्लैकबर्न ने कहा था कि यदि शतीपूर्ति कर्ता ने पहले ही इसका भुगतान कर दिया है तो यदि हानि को कम करने वाली कोई भी चीज उस व्यक्ति के हाथों में आती है जिसे उसने भुगतान किया है यह एक समानता बन जाती है यह एक, एक इक्विटी बन जाती है कि जिस व्यक्ति ने पहले ही पूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया है वह उस राशि को वापस पाने का हकदार है अर्थात बीमा कंपनी ने अगर आपको इंश्योरेंस दे दिया है आपको क्लेम दे दिया है तो फिर इसके बाद अगर किसी भी प्रकार का उस इंश्योरेंस से संबंधित आपके पास में क्लेम आता है तो उस पैसे पर या उस क्लेम अमाउंट पर बीमा कंपनी का अधिकार बन जाता है क्योंकि उसने आपको आपकी क्षति की पूर्ति कर दी है अगर आपके पास वह आता है दूसरी पार्टी से तो फिर कंपनी का उसके ऊपर अधिकार बन जाता है प्रस्थापन की आधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ सब्रोगेशन को भारतीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसके द्वारा बीमा करता बीमा धारक को नुकसान के संबंध में वसूली करने का हक देता है जिसकी बीमाकर्ता ने क्षतिपूर्ति कर दी हो यह अधिकार कानून और केस कानून दोनों के अनुसार उत्पन्न होता है जहां तक कानून का सवाल है समुद्री बीमा उन्नीस विशेष रूप से धारा नवासी प्रासंगिक है प्रतिस्थापन से संबंधित कई भारतीय मामले कानून हैं यानी कि बहुत सारे केस लॉज अवेलेबल हैं जिनसे हम सब्रोगेशन को समझ सकते हैं जिनमें से हम एक महत्वपूर्ण फैसले की बात करते हैं जिसका नाम है आर्थिक परिवहन संगठन बनाम चरण स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड 2010। इस निर्णय को सबसे हम प्रमुख मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बताया कि क्षतिपूर्ति के अनुबंध में प्रतिस्थापन अंतर्निहित आकस्मिक और शिक हैं अर्थात वो इनरेंट इंसिडेंटल एंड कोलेटरल हैं जो स्वचालित रूप से तब होता है जब बीमा करता बीमा धारक को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति करके पॉलिसी के तहत दावे का निपटान करता है अर्थात अगर आपको आपकी क्षतिपूर्ति कर दी गई है तो जो बीमा करता है उसका वह अधिकार इंसिडेंटल है उसका वह अधिकार इनरेंट है और कोलेटरल है पांचवा समुद्री बीमा का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है अंशदान का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कभी कभी एक जोखिम को एक से अधिक बीमाकर्ताओं द्वारा कवर किया जा सकता है उस मामले में यह न केवल सुनिश्चित करना वांछनीय है कि बीमा धारक को क्षतिपूर्ति से अधिक ना मिले बल्कि यह भी कि कोई भी नुकसान इसमें शामिल सभी बीमाकर्ताओं के बीच उचित रूप से फैला हो अंशदान का सिद्धांत बीमाकर्ताओं के बीच दावों के बोझ को निष्पक्ष रूप से वितरित करने की एक विधि है जिसके लिए प्रत्येक कुछ जिम्मेदारी सहन करता है अर्थात मान लीजिए एक व्यक्ति ने चार बीमा लिए हुए दस लाख रुपए ईच के अगर उसे मान लीजिए दस लाख रुपए का नुकसान होता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि चारों बीमा कंपनी उसे दस दस लाख रुपए देंगी उसका नुकसान उसकी क्षतिपूर्ति की गारंटी क्योंकि उसका नुकसान हुआ है वो दस लाख रुपए की अमाउंट है जिसे चारों कंपनी मिलकर ढाई ढाई लाख रुपए ईच के हिसाब से प्रत्येक के हिसाब से उसको दे करेंगी यानी कि कंट्रीब्यूशन करेंगी बराबर प्रोपोर्शनेट में या जितने प्रोपोर्शनेट में उनका उस समय पर अनुबंध हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको पे करेंगी ना कि अलग अलग से वो उसको उसकी नुकसान की क्षतिपूर्ति करेंगे समुद्री बीमा में योगदान अर्थात कंट्रीब्यूशन का एक उदाहरण लेकर हम बात करते हैं कि यदि हम कहें कि श्री राम ने दो अलग अलग बीमा प्रदाताओं से दो कार्गो बीमा पॉलिसियों के लिए पांच लाख रुपए का भुगतान किया श्री राम को पांच लाख रुपए का नुकसान हुआ जब उसका शिपमेंट बंदरगाह पर क्षतिग्रस्त हो गया अब जब श्री राम ने पहले बीमा प्रदाता से संपर्क किया तो उन्हें पूरे पांच लाख का दावा भुगतान मिल गया चूंकि दूसरी बीमा कंपनी ने भी जोखिम साझा करने पर सहमति व्यक्त की थी इसलिए पहली बीमा कंपनी अब दूसरी बीमा कंपनी के साथ योगदान के सिद्धांत के तहत ढाई लाख रुपए का दावा दायर करेगी अर्थात आपके नुकसान को अगर एक कंपनी ने दे दिया है तो दूसरी कंपनी से पहले वाली कंपनी जिसने क्षतिपूर्ति की है वह दूसरे कंपनी से उस अमाउंट को रिकवर कर सकती है इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं पांच सिद्धांत हैं जिनके ऊपर में किसी भी समुद्री बीमा के अनुबंध टिके हुए होते हैं क्योंकि समुद्री बीमा एक अनुबंध है जिसमें दो पक्ष होते हैं बीमाकृत और बीमाकर्ता तो उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसे कि हम

कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जैसे कि फॉर्म जमा कराना बीमा कंपनी से कोटेशन प्राप्त करना प्रीमियम का भुगतान करना और उसके बाद कवर नोट या पॉलिसी जारी करना आइए समुद्री बीमा को प्राप्त करने के बारे में विस्तार से बात करें सबसे पहला जो स्टेप है वो है फॉर्म जमा कराना अर्थात सबमिशन ऑफ फॉर्म यानी कि वही यह जो स्थिति है यह अन्य प्रकार की बीमाओं से बहुत भिन्न नहीं है वहां पर भी हम सबसे पहले बीमा कंपनी में अपना प्रपोजल फॉर्म जमा करते हैं उसके आधार पर ही उसको स्टडी करके कंपनी आपसे प्रीमियम की डिमांड भी करते हैं अगर आपने प्रीमियम भी साथ में जमा करा दिया प्रपोजल के तो उसके बाद कंपनी इसको स्टडी करके आपको पॉलिसी जारी करती है जब कंपनी आपको पॉलिसी जारी करती है तभी हम कह सकते हैं कि आप इंश्योर्ड हैं या नहीं तो सबसे पहली स्थिति फॉर्म जमा करना निमंत्रित विवरण फॉर्म पर होंगे जैसे कि भेजने वाले का नाम कंसाइनर का नाम यानी कि इंश्योर्ड का नाम कवर की जानी जाने वाली वस्तुओं का विवरण उन वस्तुओं को आपने डिटेल्ड नॉलेज में डालना होगा एक्सप्लेनेशन देनी होगी जो आइटम्स उसमें कवर की जानी है अंडर और रेटिंग के लिए उस वस्तु का प्रकार मायने रखता है जिसका बीमा किया जाना होगा पारगमन के दौरान विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न प्रकार की क्षति का खतरा होता है कपास में आग लगने का खतरा होता है तरल कार्गो लीक और इसी तरह चीनी सीमेंट और इसी तरह अन्य वस्तुएं समुद्री जल के से आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती तो विभिन्न प्रकार के खतरे रहते हैं समुद्र के अंदर में तो किस प्रकार का खतरा है किस प्रकार की वस्तु उस कार्गो उस शिप में या उस हल बसल में जा रही है ये सभी चीजें उस चीज के बारे में आपको डिटेल से उसका वर्णन करना होगा ताकि उसका उचित रूप से बीमा किया जा सके यात्रा और परिवहन का तरीका जब आप फॉर्म जमा करवाएंगे तो उसमें तीसरी मुख्य चीजें आप रूप से लिखेंगे कि जर्नी एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप कहाँ पर यात्रा कर रहे हैं किस तरीके से आप कर रहे हैं बीच में आपके रूट में क्या क्या चीजें आएंगी इन सब चीजों का आपको जानकारी देना होगा कि आपका परिवहन का तरीका क्या है और आपका यात्रा का रूट या तरीका क्या रहेगा तो इन निम्नलिखित के बारे में विवरण की आवश्यकता होगी जैसे कि पारगमन के आरंभ कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं आपका पॉइंट क्या है उद्गम का बिंदु क्या है और समाप्ति स्थानों का आपको स्थान फाइनल डेस्टिनेशन का स्थान परिवहन का तरीका क्या है यानी कि ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज या इनमें से 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 दो से अधिक संयोजन माल ले जाना है। जब विदेश यात्रा शामिल हो, तो जहाज के नाम का खुलासा किया जाना अर्थात अब हमने ये तो बात की है कि आधुनिक दौर में विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसीज हैं वो मैरिन इंश्योरेंस में कवर होती है ना सिर्फ समुद्र के भीतर बल्कि समुद्र के बाहर जमीन पर भी मैरिन इंश्योरेंस का काम रहता है तो आप यह बताएंगे कि किस प्रकार से सामान को लाया ले जाया जाए जाएगा वह एक से ज्यादा माध्यम भी हो सकते हैं जैसे कि किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में हवाई जहाज के द्वारा वह सामान लाया जाएगा उसके बाद उस सामान को वहां से ट्रक के द्वारा पोर्ट तक लाया जाएगा और पोर्ट पे लाने के बाद में वहां पर शिप के द्वारा वहां से दूसरे डेस्टिनेशन तक लेके जाया जाएगा तो इस सारी प्रक्रिया में माल लेके आने से और अगले आखिरी में छोर तक माल पहुंचाने में तीन तरह के साधनों का उपयोग हुआ हवाई जहाज ट्रक और शिप तो ये सारा का सारा जो आपका जर्नी है जो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसका उल्लेख आपको करना पड़ेगा ताकि किसी प्रकार के नुकसान के संबंध में कंपनी इस बात को तय कर सके कि वह कौन से कारण है जिनके कारण नुकसान हो सकता है हो सकता है वह समुद्री यात्रा के दौरान हो, हो सकता है वह हवाई यात्रा के दौरान हुआ हो, हो और हो सकता है वह ट्रक के अंदर माल लाने के वक्त में या ढुलाई के वक्त में उस तरह का नुकसान हुआ हो तो वो तभी हो पाएगा जब उस फॉर्म में आपने यह तीनों प्रकार के विवरण भरे हों यानी कि इंश्योर्ड जो है उसका नाम और इसके अलावा क्या क्या वस्तुएं आप उसमें लेके जा रहे हैं और उसके बाद आपकी यात्रा और परिवहन का तरीका क्या रहेगा सारी जानकारियां देने के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है वह बीमा कंपनी द्वारा कोटेशन कोटेशन बाय इंश्योरेंस कंपनी बीमा कंपनी यहाँ पर दी गई जानकारी के आधार पर प्रीमियम दर उद्धरण करेगी अर्थात आपके कोटेशन के बेसिस पर ही ये सारी की सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी कोटेशन देगी कि हम इतना इसका बीमा करने के लिए ये चार्जेस लगा सकते हैं संक्षेप में कुछ कारण हैं जिनके कारण प्रीमियम दरों को प्रभावित कर सकते हैं जैसे कि कॉमोडिटी प्रकृति पैकिंग टेक्निक जहाज और बीमा अनुबंध का प्रकार ये सारी चीजें प्रीमियम के ऊपर में असर डालती हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वह प्रीमियम का भुगतान पेमेंट ऑफ प्रीमियम प्रीमियम दरें स्वीकार करने पर संबंधित व्यक्ति बीमा कंपनी को भुगतान करेगा भुगतान खेप के आधार पर किया जा सकता है अर्थात कितनी प्रीमियम दरें होंगी ये सारी चीजें पिछले कारणों पर तय करेंगी और प्रीमियम की दरें स्वीकार करने पर फिर संबंधित व्यक्ति बीमा कंपनी को भुगतान करेगा और इस प्रीमियम को स्वीकार करने के बाद ही कंपनी उसको अंडरराइट करेगी या रिजेक्ट करेगी या कंपनी पर निर्धारित करता है लेकिन प्रीमियम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कवर नोट या पॉलिसी दस्तावेज जारी करना इश्यू ऑफ कवर नोट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कवर नोट वह नोट एक दस्तावेज है जो नियमित पॉलिसी जारी होने तक अंतरिम रूप से कवरेज प्रदान करता है अर्थात जब तक आपको नियमित रूप से पॉलिसी नहीं मिल जाती है फाइनली पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके हाथ में नहीं आता है तब तक आपको एक कवर नोट दिया जाता है वो एक इंटेरी मैयर है एक समय के लिए दिया जाता है उसकी भी वैलिडिटी एक पॉलिसी की तरह ही रहती है लेकिन जब तक फाइनली एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके हाथ में नहीं आ जाता है तब तक एक कवर नोट जारी किया जाता है आमतौर पर ऐसा होता है कि पॉलिसी जारी करने के आवश्यक सभी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है उदाहरण के लिए स्टीमर का नाम पारगमन में पैकेजों की मात्रा रेलवे रसीद की तारीख और संख्या आदि ज्ञात नहीं हो सकती अर्थात कुछ और डिटेल्स जब कंपनी चाहती है वो सारे जो डिटेल्स आपने नहीं प्रोवाइड की होती है और कंपनी ये समझती है कि इसकी पॉलिसी कर देनी चाहिए तो उस दौरान कंपनी आपको एक कवर नोट जारी करती है जो एक पॉलिसी के फाइनली जारी होने के बीच का एक ट्रांसिट टाइम है एक इंटरिम समुद्री नीति की अगर हम बात करें मैरिन पॉलिसी की समुद्री बीमा का अनुबंध इस दस्तावेज से प्रमाणित होता है इसमें बीमा धारक का नाम उत्पादों की विशिष्टता आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी शामिल रहती है इन्हें पहले मान्यता दी गई थी बीमा में शामिल जोखिमों का विस्तार से उल्लेख किया गया था विशिष्ट कवरेज एक प्रकार का बीमा है जो एकल शिपमेंट कंसाइनमेंट को कवर करता है इसके बाद एक और तरीका है एक और तरीके से पॉलिसीज़ की जाती हैं, वो है ओपन पॉलिसी यानी कि खुली नीति फ्लोटिंग पॉलिसी खुली पॉलिसी के लिए एक और शब्द है इसे इसके दायरे में आने वाले सभी शिपमेंट को संभालने के लिए दिया गया है और से मोटे तौर पर कहा गया है यह शिपिंग का एक विशिष्ट समय सीमा में भेजने के वित्त पोषण के लिए एक बड़ी राशि के लिए प्रदान किया जाता है एक फ्लोटिंग पॉलिसी रहती है खुली नीति के तहत घोषणाएं की जाती हैं और इससे बीमा की कुल राशि कम हो जाती है आमतौर पर फ्लोटिंग पॉलिसी एक वर्ष के लिए पेश की जाती है एक नई पॉलिसी जारी की जा सकती है या मूल पॉलिसी में बढ़ी हुई राशि के लिए एक समर्थन जोड़ा जा सकता है यदि वे उस समय से पहले पूरी तरह से घोषित हो जाते हैं दूसरी ओर यदि पॉलिसी उसकी नियमित अवधि बीत जाने के बाद रद्द कर दी जाती है और पूरा भुगतान पहले से एकत्रित कर लिया जाता है तो बीमा धारक को उपयुक्त राशि पर प्रीमियम रिटर्न प्राप्त होता है तो आमतौर पर फ्लोटिंग पॉलिसीज़ एक वर्ष के लिए जारी की जाती हैं। एक और प्रकार है पॉलिसी का वो है ओपन कवर पॉलिसी इसमें बड़ी निर्यातक और आयातक कंपनियां जो अक्सर जहाज चलाती हैं, उन्हें प्रत्येक कार्गो के लिए अलग से बीमा कवरेज प्रताप प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है और यह काफी कठिन कार्य है क्योंकि उनके पास विभिन्न प्रकार के जहाज हैं और विभिन्न प्रकार के कार्गो शिप्स हैं और वे अक्सर चलते रहते हैं तो अलग अलग पॉलिसियां प्राप्त करना काफी कठिन हो जाता है यहीं पर एक खुला कवर कवरेज यानी कि ओपन कवर पॉलिसी काम आती है यह भी संभव है कि बीमा धारक की ओर से किसी चूक के कारण बीमित शिपमेंट बिना बीमा के रह जाए क्योंकि आपके पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं और रोज आपकी वो चलती रहती हैं। इस मामले में होने वाले किसी भी नुकसान का भुगतान करने के लिए बीमा धारक जिम्मेदार रहेगा एक ओपन कवर पॉलिसी स्वचालित रूप से इसके दायरे में आने वाले सभी शिपमेंट को संभालता है और सामग्री यात्रा और कवर का सामान्य विवरण प्राप्त प्रदान करता है यह अक्सर 12 महीने की अवधि के लिए दिया जाता है और हर साल रद्द किया जा सकता है या तो बीमा धारक या बीमा करता आवश्यक नोटिस देकर या प्रमाण पत्र घोषणा के विरुद्ध दिए जाते हैं और अधिनियम के अनुसार उन पर मोहर लगाना आवश्यक होता है भले ही खुले कवर पर कोई मोहर संलग्न ना हो तो इस प्रकार से कुछ तरीके हैं जैसे समुद्री बीमा पॉलिसी की जा सकती है अब हम कुछ समुद्री हानियों के बारे में बात करते हैं किस प्रकार की हानियां समुद्र की रास्ते के दौरान में समुद्री यात्रा के दौरान हो सकती हैं कुछ मैरिन लॉसेस के बारे में बात करते हैं समुद्री हानियों को हम तीन वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं पहली कुल हानि जो कि वास्तविक है टोटल एक्चुअल लॉस दूसरा अनुमानित कुल हानि यानी कि प्रिज्यूम्ड टोटल लॉस तीसरी रचनात्मक कुल हानि यानी कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस सबसे पहले हम टोटल लॉस एक्चुअल के बारे में बात करते हैं कुलहानी वास्तविक जब बीमित व्यक्ति को विषय वस्तु से अपरिवर्तनीय रूप से वंचित कर दिया जाता है या जब वह नष्ट हो जाता है या इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि वह मूल रूप से बीमाकृत नहीं रह जाता है तो वास्तविक कुलहानी हो जाती है दूसरा प्रकार है अनुमानित हानि पर्याप्त समय बीत जाने के बाद यह माना जा सकता है कि साहसिक कार्य में शामिल जहाज पूरी तरह से गायब हो गया आमतौर पर समुद्र के खतरे या सामान्य समुद्री जोखिम को नुकसान का कारण माना जाएगा और तीसरा प्रकार है रचनात्मक कुल हानि ऐसा तब होता है जब विषय वस्तु को तार्किक रूप से छोड़ दिया जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि इसके वास्तविक कुल नुकसान से बचा नहीं जा सकता या क्योंकि इसे वास्तविक कुल नुकसान से बचाने के लिए धन खर्च करने के बाद जितना मूल्य होगा उससे अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है रचनात्मक कुल हानि की स्थिति में संपूर्ण हानि के लिए दावा दायर किया जा सकता है यदि वह परित्याग करना चाहता है तो वह हानि को केवल आंशिक हानि के रूप में मान सकता है ऐसी स्थिति में उसे हामीदारों को ऐसा करने के अपने निर्णय की सूचना देनी होगी अगर हम यात्रा नीति को समझें कि यात्रा नीति क्या है तो हम कह सकते हैं कि धारा चौलीस में इसके बारे में व्याख्या है जोखिम के प्रारंभ के संबंध में निहित शर्तें इसके अलावा धारा पैंतालीस में प्रस्थान के बंदरगाह में परिवर्तन के बारे में निर्दिष्ट किया गया है इसके अलावा धारा छियालीस में विभिन्न गंतव्य के लिए नौकायन भी स्पेसिफाइड है उसके बारे में जानकारी दी गई है धारा सैतालीस में यात्रा में परिवर्तन यानी कि वॉलेंट्रली या ना जानबूझकर किया गया किसी भी तरह का वॉयज डेविएशन के बारे में धारा सैतालीस के में इसके बारे में जिक्र किया गया है धारा अड़तालीस में विचलन अर्थात डेविएशन के बारे में जानकारी दी गई है धारा उनचास में डिस्चार्ज के बारे में जिस प्रकार डिस्चार्ज के कई बंदरगाह हो सकते हैं कई पॉइंट हो सकते हैं उसके बारे में धारा उनचास के बारे में जिक्र किया गया है डिले इन यात्रा में देरी के बारे में धारा पचास में विस्तार से प्रावधान दिए गए हैं धारा इक्यावन में विचलन और देरी के लिए बहाना अगर कुछ है तो वह इस चीज के बारे में उल्लेखित है और वह समय बनाया गया है तो कहा जा सकता है कि यात्रा पॉलिसी एक बीमा पॉलिसी है विशेष रूप से एक समुद्री बीमा पॉलिसी जैसे समुद्री कार्गो बीमा भी कहा जा सकता है तो समुद्री बीमा के सिद्धांतों के बारे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समुद्री बीमा भी अन्य बीमा की तरह कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है समुद्री बीमा अत्यंत सद्भावना अर्थात अटमोस्ट गुड फेथ के सिद्धांतों पर आधारित होता है और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि बीमा योग्य हित का सिद्धांत भी इसमें महत्वपूर्ण होता है निकटतम कारण का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अभी हमने इस बारे में जिक्र किया है कि किसी की क्षतिपूर्ति करने के बाद में सबरोगेशन का से सभी के, बीच में समान रूप से करने के लिए बनाया गया है समुद्री हानियों का हमने वर्गीकरण अभी पढ़ा और जहां प्रस्थान का स्थान पॉलिसी द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और जहाज उस स्थान से रवाना होने के बजाय किसी अन्य स्थान से रवाना होता है तो जोखिम संलग्न नहीं होता इसके अलावा जब कोई जहाज कानूनी औचित्य के बिना पॉलिसी में मार्ग से भटक जाता है तो बीमाकर्ता की देनदारी विचलन के समय से समाप्त हो जाती है उम्मीद है आपको बीमा समुद्री बीमा के सिद्धांतों के बारे में उचित जानकारी प्राप्त हुई होगी धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of? Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.